दोस्तों, पैसा आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। यदि आप मानते हो कि पैसा इंसान को सुख नहीं दे सकता या दुनिया में प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं, तो मेरा यकीन मानिए, आप खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ से नीचे जो सबसे बड़ी इकाई आप खोज सकते हो, उसी इकाई का नाम पैसा है। आप पैसे से जिंदगी नहीं खरीद सकते, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर जरूर कर सकते हैं। और देखा जाए तो कुछ हद तक आप जिंदगी भी पैसे से खरीद सकते हैं। कई बार किसी साधारण सी बीमारी के कारण गरीब आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। आज यदि परमाणु युद्ध पूरी दुनिया में छिड़ जाए, तो देख लेना, पैसे वाले अमीर लोग सरकारों द्वारा बनाए गए बंकरों में छुप जाएंगे या कहीं दूर किसी सुरक्षित आइलैंड पर चले जाएंगे, और हम और आप जैसे गरीब लोग मारे जाएंगे। मैं अपने साथ साथ आपको भी गरीब गिन रहा हूं, क्योंकि मैं ये भली भांति जानता हूं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वक्त गरीब ही बिता रहे हैं। करोड़पतियों के पास ना यूट्यूब देखने का समय हो सकता है और ना ही यूट्यूब पर वीडियो बनाने का समय हो सकता है। खैर, ये सब छोड़िए और आज की वीडियो से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में हम पैसों के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कब और किन हालातों में यह पैसा हमारे जीवन में आ गया, जिसने हमारा जीवन बदल कर रख दिया, और आज हम इंसान इस पैसे के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, मानव इतिहास सबसे ज्यादा परिवर्तन के दौरों से गुजरा है। एक समय था जब हम भी दूसरे जानवरों की तरह शिकार करते थे और खाते थे। हम पेड़ों पर भी चढ़ सकते थे, इसलिए पेड़ों से फलों को तोड़कर भी जरूर खाते होंगे। यानी हम भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर थे, और निर्भरता कभी आगे बढ़ने नहीं देती। आपने जानवरों में देखा होगा कि ये एक दूसरे का भोजन भी छीन लेते हैं। यदि चीता शिकार करता है और आसपास कोई शेर मौजूद हो, तो वो शेर तुरंत उस चीते से शिकार को छीन लेगा। सिर्फ दूसरी प्रजाति से ही नहीं, बल्कि जानवर अपनी प्रजाति के जानवर से भी शिकार छीनता है। अनेकों बार शेर को शेरनियों का शिकार छीनते हुए देखा जा सकता है। बाकी के जानवर भी ऐसा ही करते हैं। यानी जब इंसान जंगलों में रहा करता था, तो वो भी ऐसा जरूर करता होगा। शिकार नहीं मिला तो छीन लेता होगा किसी दूसरे जानवर से या किसी दूसरे इंसान से भी। लेकिन इंसानों की बुद्धिमानी तेजी से बढ़ रही थी। हम समझ चुके थे कि इस तरह की छीना झपटी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए हमने समस्या को स्थायी रूप से मिटाने की सोची। आज से करीब 17,000 साल पहले इंसानों ने लेन देन की पहली प्रक्रिया शुरू कर दी होगी। इस समय इंसान छोटे कबीलों में रहते थे, और इन कबीलों की गुफाओं में बने चित्रों के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय के लोगों ने अपने अपने काम बांट लिए थे। कुछ लोग पत्थरों को तराशकर हथियार बनाने में माहिर थे, तो कुछ उन हथियारों से शिकार करने में माहिर। ऐसे में जो लोग हथियार बनाते थे, वो अपने हथियारों को शिकारी लोगों को देकर भोजन प्राप्त करने लगे। ये लेन देन दो कबीलों के बीच में भी होने लगा। लेन देन की इस पहली प्रक्रिया को बार्टर सिस्टम नाम दिया गया है। लोगों की जरूरतों के साथ लेन देन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी, जिससे जातियां अस्तित्व में आई। बर्तन बनाने वाले लोग कुम्हार कहलाए, तो लोहे का आकार बदल देने वाले लोग लोहार कहलाए। भारत में हिंदू धर्म में आज भी इन जातियों की मौजूदगी से पता चलता है कि वास्तव में हिंदू धर्म कितना प्राचीन और कितना व्यवहारिक है। वक्त के साथ समाज में फैली ऊंच नीच की भावना के कारण आज भले ही इस जाति व्यवस्था को हम गलत ठहरा देते हो, किंतु ये जातिगत व्यवस्था अपने समय की सबसे मजबूत जरूरत बन गई होगी। इस जातिगत व्यवस्था के कारण ही हम एक दूसरे के काम आए। हमने छीनने की बजाय दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद की। दोस्तों, बार्टर प्रणाली हमारे लिए उपयोगी जरूर सिद्ध हुई, किंतु जैसे जैसे मानव ने तरक्की की, ये प्रणाली भी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई। इसलिए वक्त के आगे बढ़ते पहिया के साथ ही इस प्रणाली में भी बदलाव होना जरूरी था। आज से करीब 10,000 से 12,000 वर्ष पूर्व खेती की शुरुआत होने तक ये प्रणाली कमोडिटी मनी में बदल गई। यानी अब हम सिर्फ भोजन या हथियारों का ही नहीं, बल्कि हर जरूरी सामान का आदान प्रदान करने लगे। हम एक दूसरे के साथ गाय भैंस जैसे पालतू पशुओं से लेकर अनाज, जानवरों की खाल, लड़ने के लिए तलवार और ढाल जैसे हथियारों को भी व्यापार के रूप में इस्तेमाल करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने इंसानों को भी खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। बड़े कबीलों में रहने वाले लोग जंगलों में घूमते खानाबदोश इंसानों को पकड़कर उन्हें अपना गुलाम बनाते और उन गुलामों को बेचते भी थे। इसी समय से वेश्यावृत्ति भी अस्तित्व में आई। हमने हर वस्तु की कीमत तय कर दी, लेकिन समस्या ये थी कि हर वस्तु की कीमत अलग अलग होती थी। उदाहरण के लिए, वैसे शायद आपको मेरा उदाहरण पसंद ना आए, किंतु हमें केवल इतिहास मानकर ही समझना चाहिए। वेश्यावृत्ति के व्यापार में किसी सुंदर स्त्री की कीमत साधारण शक्ल सूरत की स्त्री से अधिक ही रही होगी, वहीं किसी जवान और तगड़े गुलाम पुरुष की कीमत भी किसी कमजोर पुरुष से ज्यादा रही होगी। इस तरह से खूबियों के आधार पर जानवरों की कीमत भी अलग अलग रही होगी। साथ ही जानवर आदि वक्त के साथ बूढ़े भी होते थे और मरते भी थे। यानी कमोडिटी मनी लेन देन का एक ऐसा तरीका था, जिस तरीके में हमारी संपत्ति की कीमत वक्त के साथ बढ़ने की बजाय घट जाती थी, और कीमत में इस तरह की भिन्नता आना लेन देन में अस्थिरता पैदा करता होगा। इसलिए हमें एक ऐसी वस्तु की जरूरत थी जिसकी कीमत बढ़ते स्तर की ओर हो, ताकि उस वस्तु की मांग हमेशा ही एक समान बनी रहे। ये माना जाता है कि सोने और चांदी जैसी धातुओं की खोज आज से करीब 8 से 10 हजार साल पहले ही हो चुकी थी, किंतु इन खूबसूरत धातुओं की दुर्लभता और आकर्षण का एहसास हमें 1500 बीसी पहले ही होना शुरू हुआ था। इस समय तक इंसान धातुओं को पिघलाकर धातुओं का आकार बदल देने में भी माहिर हो चुका था, इसलिए व्यापार में सोने और चांदी के सिक्कों का चलन आया। ये चलन कहां से शुरू हुआ, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि सोने और चांदी के सिक्कों का सबसे पहला उपयोग आज से करीब 1000 वर्ष पूर्व चीन में शुरू हुआ था। मेरे मत से यह उपयोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ होगा, और इस उपयोग ने इंसान के जीने का नजरिया ही बदल दिया। धरती पर फैला सोना इकट्ठा होने लगा, लोग अमीर या गरीब कहलाने लगे। सोने का सर्जन हुआ तो चोरी और लूटपाट जैसी घटनाओं में भी तेजी आई। सोने और चांदी के सिक्कों ने भले ही दुनिया में व्यापार की सूरत बदल दी, किंतु इन सिक्कों में भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो था इनका भंडारण। जिस तरह से 100 के नोट में और 500 के नोट में कोई विशेष फर्क नहीं होता, दोनों ही नोट कागज से बने होते हैं, और आपकी जेब में जितनी आसानी से 100 के नोटों की गड्डी आ सकती है, उतनी ही आसानी से 500 के नोटों की गड्डी भी आ जाएगी। लेकिन ऐसी सुविधा सोने चांदी के सिक्कों में नहीं थी। जितना बड़ा व्यापार होता, उतनी ही अधिक मात्रा में सिक्कों को भी ढूंढना पड़ता था, जिससे सिक्कों को
संभालने से लेकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी दिक्कतें आने लगी। इसलिए एक लंबे समय तक सोने चांदी के सिक्के इस्तेमाल होने के बाद अब बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही थी और वर्ष 1279 में एक बड़ा बदलाव आया। मंगोलियाई शासक कुबलाई खान ने सबसे पहले कागज के नोट बनाने की शुरुआत इसी वर्ष में की। कुबलाई खान चंगेज खान का वंशज था। उसने पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करते हुए कागजी मुद्रा यानी नोट बनाए, किंतु ये नोट आज के नोटों जैसे नहीं होते थे बल्कि एक तरह का एग्रीमेंट होता था जिसे उधारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कागज पर लिखा होता था कि इस कागज को अमुक मात्रा के सिक्कों के बदले में दिया गया है और इस कागज को वापस करके आप अपने सिक्के कभी भी ले जा सकते हैं। ये तरीका अपने समय की बेहद मजबूत आवश्यकता थी, किंतु अपने सोने चांदी के सिक्कों के बदले एक कागज का टुकड़ा लेना किसी भी इंसान को पसंद नहीं आया और कुबलाई खान का यह उपाय ओंधे मुंह गिर गया, जिस कारण कुबलाई खान ने ऐलान करवा दिया कि उनके कागज को लेने से यदि किसी व्यक्ति ने इनकार किया तो उस व्यक्ति की सजा केवल मौत ही होगी। जबरदस्ती थोपे जाने के बाद यह तरीका काम कर गया और सभी राजाओं ने अपने अपने नाम से इस तरह के नोट या कहिए एग्रीमेंट छपवाने शुरू कर दिए। वक्त बीतते बीतते इस एग्रीमेंट में आते सुधारों के साथ ही आज इस्तेमाल होने वाले नोट अस्तित्व में आए हैं। आज भी गवर्नर के हस्ताक्षरों के साथ नोट पर लिखा होता है कि मैं नोट के धारक को अमुक रुपए देने का वचन देता हूँ। दोस्तों, नोट या पैसों का इस्तेमाल वक्त की जरूरत है, लेकिन इस पैसे ने ही समाज को अमीर और गरीब नामक दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग रात दिन कड़ी मेहनत करके भी गरीब रह जाते हैं और कुछ पैदा ही अरबपति घरानों में